नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरी। एयरफोर्स की ताकत माने जाने वाले MiG-21 इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 बाइसन में एयरक्राफ्ट के हादसे का शिकार होने के बाद कई दशकों पुराने इन विमानों को विदा कहने की मांग अब बेहद ही तेज हो चुकी है और इस पर बहस भी जारी हो गई है। यहाँ तक कि इन विमानों को उड़ता हुआ ताबूत भी कहे जाने लगा है। हालांकि MiG-21 लंबे वक्त से इंडियन एयरफोर्स की कामयाबी का आधार रहा है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या फिर 1971 का युद्ध, सभी मोर्चों पर इस विमान ने अपनी कामयाबी का सबूत पेश किया है। हालांकि ये फाइटर विमान कई बार हादसों का शिकार हुआ, जिसमें कई पायलटों और जवानों की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने साल 2025 तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने का भी फैसला लिया है। MiG-21 बाइसन, जो कि MiG-21 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, भारतीय वायुसेना के इतिहास में MiG-21 फाइटर विमान की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब इसे रिटायर करने की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार को सेना का MiG-21 फाइटर विमान क्रैश हो गया। इसमें दोनों पायलटों की जान चली गई। हालांकि ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है जब इस फाइटर जेट से ऐसा हादसा हुआ हो। साल 2021 में ही इस MiG-21 बाइसन फाइटर जेट से 5 दुर्घटनाएं हो चुकी थी। इन हादसों में 3 पायलटों की जान भी चली गई थी। पिछले 20 माह में 6 MiG-21 विमान हादसे का शिकार हुए। इनमें विमान के 5 पायलट शहीद हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 दशक में MiG-21 से संबंधित करीब 400 हादसे हुए, जिसमें 200 से अधिक पायलट काल के गाल में समा गए। MiG-21 फाइटर विमान को भारतीय सेना के बेड़े में 1960 दशक में शामिल किया गया था। 1971 के जंग में वायुसेना में कुछ साल पहले ही शामिल हुए लड़ाकू विमान MiG-21 ने पूर्व और पश्चिमी के मोर्चों पर जमकर कहर बरपाया था। MiG-21 की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फाइटर विमान ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के 13 फाइटर विमानों को तहस नहस कर दिया था, जबकि भारतीय वायुसेना को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। 16 जुलाई को देशवासियों ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर सपूतों के बलिदानों को याद किया। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका अदा की थी। MiG-21 बाइसन फाइटर विमान, जो कि विमान MiG-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, 1999 के जंग में भारतीय वायुसेना के MiG-21 के साथ कई दूसरे विमान पाक घुसपैठिया पर कहर ढा रहे थे। भारतीय वायुसेना के जवानों ने MiG-21, MiG-23 और MiG-27 फाइटर प्लेन के साथ घुसपैठियों के ठिकानों, गोला बारूद और रसद भंडार और सप्लाई चैन पर हमले किए। द्रास, बटालिक और कारगिल में इन हमलों के कारण दुश्मनों को काफ़ी नुकसान हुआ था। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पाक घुसपैठियों से सफाई के लिए ऑपरेशन विजय अभियान भी चलाया था।